सागर राणा की हत्या के बाद से ही फरार चल रहे ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार, जिसकी गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस की आधा दर्जन पुलिस ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन इतने दिन बाद जाकर सुशील पहलवान की वारदात की पहली तस्वीर हाथ लगी है। इस तस्वीर में सुशील एक गाड़ी में बैठा देखा गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि ये तस्वीर मेरठ टोल के पास की है, जो 6 मई की है, जबकि वारदात छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की है। पुलिस तस्वीर में नजर आ रही कार को भी ढूंढ रही है। पुलिस को शक है कि कार ड्राइव कर रहे शख्स ने ही सुशील को छुपाने में मदद की है। वहीं जब पुलिस को पता चला कि सुशील दिल्ली में कहीं छुपा हुआ है, तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी, जिसमें पता चला कि सुशील कुमार हरियाणा के बहादुरगढ़, जजर और दिल्ली के नजफगढ़ में छुपा हुआ था और वह लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। आपको बता दें कि सुशील कुमार बेहद प्रोफेशनल तरीके से पुलिस को चकमा दे रहा है। हाल ही में उसने जो सिम इस्तेमाल किया था वो अपने किसी जानकार को दे दिया, जिसने दिल्ली की तरफ बीच रास्ते में जाकर सिम को ऑन किया ताकि वह पुलिस की जांच को भटका सके। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि सुशील कुमार फिल्मी तरीके से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा है। वहीं हाल में पुलिस ने दिल्ली के एक दुकानदार से पूछताछ की, जिसके यहां से खरीदी गई सिम को सुशील कुमार ने वारदात के बाद इस्तेमाल किया था। वहीं हरियाणा के बहादुरगढ़ से भी 4 सिम खरीदे गए थे। इन सारे सिम को सुशील ने इस्तेमाल किया था। सुशील ने इन सभी सिम को 2 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। वहीं सुशील कुमार के ऊपर 1 लाख का इनाम रखा गया है। सुशील कुमार की अगली जमानत की याचिका भी अदालत ने खारिज कर दी है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क।